सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर सेम सेक्स मैरिज हमारे मिलोर्ड ये मिजाज बना चुके थे कि मर्द मर्द से ब्याह करेगा, औरत औरत से कर लेगा, मर्द को मन करेगा तो कुकुर से कर लेगा, कोई सी जिहादी को मन करेगा तो अब्दुल भाई बकरी से कर लेगा। कई चीजें ऐसी सामने आती थी इस तरह की चीजें, क्योंकि मिलोर्ड ने कहा कि स्वच्छंदता है, मर्जी है कि हम किससे शादी करें, हम कुकुर से शादी कर लें, हम बकरी से कर लें। शादी के लिए एक स्त्री और एक पुरुष का होना जरूरी है, दुनिया में यही रूल है, चाहे वो किसी भी जाति में हो, चाहे वो मतलब जाति से मतलब हमारी हम बायोलॉजिकल भाषा की बात कर रहे हैं सर, चाहे वो कुकुर हो, चाहे वो गाय हो, गाय की गाय और सांड का मामला हो, भैंस और भैंसे का मामला हो, बकरी और बकरे का मामला हो, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग का होना इस प्रकृति के सिस्टम को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन भारत की सुप्रीम अदालत ने कहा नहीं, औरत को मर्द से मन करेगा तो मर्द औरत औरत से शादी कर ले, मर्द मर्द से कर ले, सेम सेक्स मैरिज हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, यह मौखिक थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मन किया कि पान के दुकान की तरह चर्चा नूपुर शर्मा पे कह दिया कि तुम्हारे कारण इस देश में दंगे हो रहे हैं, उसके बाद जब देश में ट्रोल होने लगे मिलोर तो अपने आदेश को वापस ले लिया। यही टिप्पणी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने की तो देश भर में ट्रोल हो गए सोशल मीडिया पर, एकदम से इस देश के लोग उत्तेजित हो गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगले दिन कहा कि हमें ट्रोल किया जा रहा है, हमने तो सिर्फ टिप्पणी की, हमने आदेश कहां दिया। सर सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था, हियरिंग करना था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स का मुद्दा नहीं लगा हुआ। उस बीच एक निजी चैनल को देश के कानून मंत्री ने इंटरव्यू दिया है। मैं बता दूं, एक निजी चैनल को देश के कानून मंत्री ने अभी अभी इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया सर कि इस देश में कानून का राज है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, चार आदमी मिलकर के तय नहीं कर लेगा कि भारत का संस्कार क्या हो, शादी इस देश का संस्कार है और सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं बदल सकता। जी, बोलो मुनि जी। जी। देखिए, किरण रिजिजू वास्तव में अद्भुत चयन है नरेंद्र मोदी का। इनको जिस दिन कानून मंत्री बनाया था तो मैं भी चौंका था कि अरुणाचल के हैं और कायदे से बिल्कुल सुदूर सीमावर्ती राज्य, छोटा सा राज्य, वहां से लाके। और बहुत, आप तो अक्सर बात करते हैं, बहुत मठाधीश टाइप के मंत्री को हटा के इनको सौंपा था, किसी की समझ में नहीं आया था। ये लेकिन कभी इन्होंने वास्तव कहा में, कि मैं कभी कभी कोर्ट गया ही नहीं आज तक। हाँ, तो वो अब समझ में आ रहा कि नरेंद्र मोदी ने क्यों इनका चयन किया था। वो अपने चयन की सार्थकता को वो सिद्ध कर रहे हैं, पूरी तरह से सिद्ध कर रहे हैं। और इस देश को ऐसे ही कानून मंत्री की जरूरत है। कानून की किताब नहीं, कानून की किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है। एक से एक दिग्गज वकील इस देश में पड़े हुए हैं जो उसकी कानून की व्याख्या कर देते हैं। तो बड़ा कानून का जानकार आदमी नहीं, लेकिन क्या गलत और क्या सही हो रहा है इसके लिए समझने वाला, और उसके बाद फिर उसको निर्भीक तरीके से, बहुत दमदार तरीके से उसको व्यक्त करने वाला, अपनी बात क्या, उसकी सरकार की बात को, सरकार क्या चाह रही है, देश क्या चाह रहा है, इसके लिए कानून मंत्री कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक से काम कर रही कि नहीं। कुछ लोगों ने ठेकेदारी ले ली है कि जो चाहेंगे वो होगा। तो ये इस पर अंकुश के लिए होती है सरकार, इसके इस पर अंकुश के लिए है कानून मंत्री। और अपनी उस भूमिका को किरण रिजिजू बहुत अच्छे से क्या, ये कहा जाए कि अभी तक भूतों ने भविष्यति, मुझको नहीं याद आता कि इस तरह का कोई कानून मंत्री इससे पहले देश में आया था। बिल्कुल सटीक, सही, और जनता की भावनाओं को वो पूरी तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं। और जहां तक मनीष जी, जो अभी आपने कहा ट्रोल वाली बात की, उन्होंने कहा मुझको ट्रोल किया जा रहा, तो मनीष जी, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत इन खैरातियों ने, दिल्ली के दलालों ने और ये भ्रष्ट नेताओं ने, इन्होंने एक शब्द गढ़ा ट्रोल, कि जो इनकी आलोचना कर दे वो ट्रोल। हर आदमी ट्रोल हो गया यहाँ पे। अरे, पूरा देश ट्रोल हो गया, पूरा देश थूक रहा है, पूरा देश जो है इसको पसंद नहीं कर रहा, इसकी बुरी तरह से आलोचना कर रहा है। अभी तो सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा है, जहां पे एक मर्यादा है, एक अनुशासन है वहां पे, और उसकी सीमा वो आदमी लांघ नहीं सकता।
माननीय महोदय जरा सड़क को निकल के बात पता करिए कि चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे और बाजारों में लोग आपके बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, गली मोहल्लों में जहां पे कोई भाषा की मर्यादा की को बंधन नहीं होता, वहां जिस तरह से लोग आपको आपके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रोल तो आपको भगवान देवता लगने लगेंगे जो सोशल मीडिया पे है। ये तो ये एक बड़ी सब स्वाधीन भाषा में बात कर रहे हैं, देश आपके बारे में क्या सोच रहा है, जरा इतनी सड़क पर निकलिए ये तमगा हटा के जैसे लोग पहले निकला करते थे किसी जमाने में। और मनीष जी उल्टी गंगा बहाएंगे, मतलब वो काम कि कुछ दिनों में ये भी हो सकता है कानून बन जाए कि आदमी एक आंख से देखेगा, एक आंख अपनी फोड़ लेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से नहीं सुनेगा, एक टांग से चलेगा कि इस देश में आदमी एक टांग से चलेगा, मैं ये समलैंगिक विवाह के ऊपर बात कर रहा हूँ। मनीष जी चाहे हिंदू धर्म की बात करिए तो हमारे यहाँ मनु और श्रद्धा इनका जिक्र आता है, मुसलमानों की बात कर लिए तो आदम और हवा इसका बात इसकी वो बात करते हैं, ईसाइयों में बात करिए तो एडम एंड ईव उनके यहाँ भी इनकी वो है। तो इस प्रकृति ये प्रकृति पूरी चल ही उसी पे रही है, पूरी दुनिया इस पे ही है कि स्त्री और पुरुष ये जो समझिए जब से मानव जाति का विकास हुआ है या जो पूरी यात्रा है मानव जाति की, इसके दो पहिए हैं स्त्री और पुरुष। ये कौन सा तरीका कि आदमी आदमी से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले, क्या होगा? मैं हिंदू धर्म की बात छोड़ दीजिए, मैं तो पहले अभी कह रहा हूँ कि पूर्व मानव जाति का क्या होगा, इस तरह के लफंगे लुच्चे जो है कुछ लोगों के ऐब है, ये विकृतियां हैं इनके अंदर, काम विकृति है, उसको आप लीगलाइज करके मतलब उसका सार्वजनिक वो कर देना चाहते हैं, हर आदमी उसको कर देगा फॉलो, उसको आप मान्यता दे रहे हैं। और मनीष जी अभी जरा एक बात और पता कर लें, माननीय जो बता रहे हैं मुझको ट्रोल किया जा रहा है, ये जो समलैंगिक का जिनको शौक होता है समलैंगिक सेक्स का, उनके बारे में समाज में क्या स्थिति होती है, मारे शर्म के ये बताते नहीं है ये मोहल्ले में, जिसको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये ऐब है, ये कुकर में ये करता है, तो वो अपने मोहल्ले में नहीं अगल बगल के दो चार मोहल्लों में तमाशा हो जाता है, वो आदमी उसका निकलना दूभर होता है, मारे उसके बता नहीं पाते कि बड़ा बड़ा बढ़िया काम है, बड़ा अच्छा काम है, और ये वो लीगलाइज किसको कर रहे हैं। तो ये जरा देखिए कि सामाजिक स्वीकृति क्या है और किन किन शब्दों से उनको संबोधित किया जाता है, उनको हम लोग बोल नहीं पाएंगे कि उन लोगों की पहचान किस तरह से की जाती है वो, और उनके लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप उनको मान्यता प्रदान कर रहे हैं। तो मनीष जी इसका पीछे एक बड़ी साजिश है, ये सीधे सीधे ये केवल अहंकार या ईगो का मामला नहीं, मैंने इसलिए कहा कि हर धर्म में चाहे वो एडम हो ईगो आदम हुआ हो मनु श्रद्धा की बात हो, तो ये पूरे एक समाज को तोड़ देने का ये वो है, समाज को तोड़ देने का है। और ये ईसाई मिशनरीज का पूरा एक खेल है ये, अगर वो मैकाले का एक भाषण बड़ा चर्चित है जो उसने 19वीं सदी में दिया था लंदन की संसद में, ये भारत के बारे में उसने कहा था कि अगर कि इतना सभ्य और सुखी समाज मैंने नहीं देखा, और अगर इस पर शासन करना है तो मुझे हमको इनकी भाषा छीननी पड़ेगी। मनीष जी कोई भी समाज जो है वो तीन ही उस पर चलता है, उसकी सभ्यता उसकी संस्कृति उसके संस्कार यही उस समाज का निर्माण करते हैं, तो भाषा छीन ली थी मैकाले ने, उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं कि आज समझिए जो गांव में रहने वाले जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो एक तरह से कटे हुए हैं समाज में, तो आधे से ज्यादा देश की तो उन्होंने जो उसकी प्रतिभा थी मेधा थी योग्यता थी उस पर वो कुचल दिया गया। आज भी वही स्थिति है कि अंग्रेजी जानने समझने वाले मेरे ख्याल से आधा भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ इससे ज्यादा वो है। अब ये आगे हमारी सभ्यता पे संस्कृति पे कि किसी कालखंड में ऐसा कुछ नहीं था, और ये एक कुतर्क दिया है कोर्ट के अंदर मनीष जी, ये तो हजारों साल से हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है, तो हजारों साल तो नहीं है, हजारों साल पहले हिजड़े भी हुआ करते थे, किन्नर उनको कहते थे, हजारों साल पहले इस तरह के कुकर्मी भी हुआ करते थे, तो कहीं कहीं उनका भी जिक्र है। तो अगर हजारों साल पुरानी परंपरा को ही लागू करना चाहते हो, उसका बहाना लेके लागू करना चाहते हो, तो हजारों साल पहले सती प्रथा भी हुआ करती थी, तो फिर से लागू करेंगे माननीय कि इस देश में औरतें सती हुआ करेंगी, लोग अपने चिता में जिंदा जल के मर जाएंगी, ये किस तरह के कुतर गढ़ रहे हैं। तो इनका केवल यह है कि जो भारतीय सभ्यता है भारतीय संस्कृति है भारतीय समाज जो है जिसमें इसको बहुत
घृणित निगाह से देखा जाता है उसको ये मान्यता प्रदान करना है, इनको ये मान्यता प्रदान करना है। और जो हजारों साल से हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है, जो हमारे संस्कार रहे हैं, उनको झूठा सिद्ध करना है मनीष जी, उनके प्रति एक ये धारणा बनानी है कि ये सब गलत है, ये रूढ़िवादी है, पिछड़े हुए लोग हैं, और ये इस तरह के मैं उनके लिए मैं क्या कहूँ, इन लोगों के लिए शब्द बोला नहीं जा सकता कि किस शब्दों से इनको संबोधित किया जाता है। तो ये एक बड़ी साजिश है और इसका एक बड़ा छोटा सा प्रयास ये हुआ है, लेकिन कोटि कोटि धन्यवाद इस देश के कानून मंत्री को, उन्होंने आज जो कुछ कहा है। मनीष जी बता दीजिए इन लोग दर्शकों को कि आज किरण रिजिजू ने कहा क्या अपने इंटरव्यू में इन इन समलैंगिक कुकर्म के पक्षधर ठेकेदारों के लिए। बिल्कुल सर, एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति की निजता किसी चीज की हो सकती है, उसे मन करे कि हम दो स्त्री हैं, हम साथ रहें, दो पुरुष आपस में साथ रहना चाहता है जीवन भर, ये उसकी निजता हो सकती है, लेकिन इसे विवाह का आधार नहीं बनाया जा सकता। और ये कोई अल्लू गल्लू नहीं बोल रहा है, ये इस देश का कानून मंत्री बोल रहा है और हम लोग इसीलिए और इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजता, आजादी, इस सब के आडंबर पर सिर्फ ये हो सकता है कि दो आदमी की इच्छा करे कि हम दोनों दोस्त हैं, दोनों पुरुष हैं, जीवन भर साथ रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शादी वो कर ले और शादी को मान्यता हो जाए, ये नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा शादी भारत में एक संस्कार है, एक चरित्र है और एक भरोसे का मामला है, ये सभी मजहबों में करीब करीब ऐसा है और इस देश में ऐसा नहीं चला। फिर उन्होंने कहा कि हमने अपने अटॉर्नी और सॉलिसिटर के माध्यम से संदेश भिजवा दिया है। और इंटरेस्टिंग ये है सर कि सोमवार को ये मामला अदालत में होना था, कल इसमें डेट नहीं लगी है, ये इंटरेस्टिंग है। मैं कॉज लिस्ट चेक कर रहा था तो कल नहीं है, कारण ही बताया जा रहा है कि कुछ मिलोर जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं, ये बड़ा गजब है, कुछ मिलोर बीमार पड़ गए हैं इसीलिए, मतलब इसका मतलब है कि भारत की सरकार ने, इस देश के कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को साफ कर दिया है कि अब ये स्वच्छंदता आपकी नहीं चलेगी, ये मनमर्जी। और साफ उन्होंने कहा है कि इस देश में एक संसद है और वो इस देश के प्रति जिम्मेदार है, चार पांच जज मिलकर के ऐसा नहीं कर सकते कि इस देश के चरित्र को बदल दे। हाँ मनीष जी, जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शक जाने को उन्होंने कहा कि ये अगर इसमें विवाह एक संस्था है, हमारा संस्कार है हजारों साल का है, और अगर इसमें कोई परिवर्तन करने की बात होगी तो वो इस देश की संसद करेगी, चार पांच लोग बैठ के पंचायत करके नहीं कर देंगे कि 135 करोड़ लोग कैसे शादी ब्याह करें, इसको बैठ के ये तय कर देंगे। तो ये नहीं, इस देश की संसद जो 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और मनीष जी हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं जब भी आता है, ये पांच ठेकेदार थोड़ी तय कर देंगे, ये जो हमारी हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे देश के बारे में, इनको जो काम दिया गया है, जो वो मुकदमे आते हैं उनको निपटाओ, जो और वो भी अपने मन से मत निपटाओ कि जो अच्छा लगा वो ठीक है। जैसे वो नाम लीजिए नूपुर शर्मा भाजपा नूपुर शर्मा वाले मामले में कि अपना मनमाने आपने फतवे जारी कर दिए थे, तो ऐसे फतवे जारी कर दे जो कानून की किताब है उसमें जो लिखा है उसमें जो है उसके हिसाब से निपटाओ। ये नहीं कि हमको अच्छा लग क्या लग रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा ये इसके लिए संसद बैठी है जहां पे 135 करोड़ लोग बैठ अपने 543 लोगों को चुन के भेजते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री जो 35 करोड़ वोट लेके आया है वो बैठ के पंचायत करेगा उस संसद में। ये पांच लोग बैठ के जो किसी के चाचा, किसी के मामा, किसी के मौसा, उनका कहें चलो चलो तुम लोग बैठ के पंचायत करो, तुम लोगों को इलेक्शन हम दे रहे हैं, तो ये बैठ के करेंगे कि 135 करोड़ लोग क्या करेंगे। और ये मैं मनीष जी अक्सर करता हूँ, जो हम लोग के नियमित दर्शक होंगे वो इसको ध्यान होगा कि जिस दिन किसी दिन सरकार ने कह दिया कि जाओ नहीं मानेंगे तुमको, क्या कर लोगे उसका, तो वो वही स्थितियां आ रही हैं। और आज जो कानून मंत्री ने बात की है वो धीरे धीरे वो संयम बरत रहे हैं, एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ये अगर ये बाज नहीं आए अपनी हरकतों से तो उसी बिंदु की तरफ हम बढ़ेंगे, ये देश बढ़ेगा उसी बिंदु की तरफ। बिल्कुल सर, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम पर, उन्होंने कहा कि इस देश में एक रूल था और सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार जब जजेस टूटती है तो पूरे देश में सरकार के पास एक सिस्टम है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कक्ष से कामाख्या तक, जो ये विशाल देश है उसमें कहां काबिल जज हैं, सरकार के पास एक सिस्टम है।